हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 5 है समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या हम 12 देखेंगे। दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यहाँ पर हम क्या मानेंगे, हल में हम मान लेंगे कि दो समांतर श्रेणी में यानी सार्वअंतर चूंकि कह रहा है समान है तो सार्वअंतर डी तथा उनके प्रथम पद A1 व A2 हैं, यानी पहले वाली श्रेणी का प्रथम पद A1 दूसरे की A2 हो गई। अब दोनों का हम 100वां पद निकालेंगे तो टी 100 निकालेंगे पहले का 1 वाले का और टी 100 निकालेंगे नंबर 2 वाले का, और कह रहा ये जो अंतर है ये दे दिया है हमारा 100 है तो यहाँ आ जाएंगे। तो ए का मतलब प्रथम वाले का है तो A1 प्लस 100वां पद माने 100 माइनस डी, यानी 100 माइनस 1 होगा इंटू डी। फिर आगे आएंगे माइनस, ये तो प्रथम वाले का हो गया, दूसरे का इसी तरह से निकाल लेंगे अथवा हम आते हैं पहले टी 100 1वां निकालते हैं तो A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी अर्थात A1 प्लस 99 डी हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको 1 बना लेंगे। इसी तरह से दूसरा आएंगे तो टी 102 वाले का निकालेंगे तो A2 बनेगा प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा तो A2 प्लस 99 डी बन जाएगा। अब दोनों का अंतर दिया गया है तो पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देंगे, ये समीकरण नंबर 1 बनाएंगे तो हमारा मिल जाएगा क्या, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 पहला है हमारा A1 प्लस 99 डी और माइनस हो जाएगा A2 प्लस 99 डी और ये अंतर 100 दिया गया है। अब यहाँ आ जाएंगे तो बन जाएगा A1 प्लस 99 डी माइनस का गुणा करेंगे तो A2 माइनस 99 डी बराबर हमारा 100 बन जाएगा। अब यहाँ 99 डी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, A1 माइनस A2 बराबर हमें मिलेगा क्या 100, और इसको हम समीकरण नंबर 2 बना के छोड़ देंगे। अब आगे कह रहा है हमें 1000वां पद निकालना है, इसका मतलब है अब दोनों का अंतर तो टी 1000 वन वाले का और टी 1000 टू वाले का यही अंतर निकालना है तो ये बन जाएगा A1 प्लस 1000 में से, चूँकि 1000 माइनस 1 करेंगे 1000 माइनस 1 इंटू डी, फिर अगला माइनस होगा A2 और फिर आगे आ जाएंगे प्लस 1000 और माइनस 1 इंटू डी आ जाएंगे। यहाँ मिल क्या जाएगा कि एक ब्रैकेट लगा देते हैं तो यहाँ बनेगा A1 माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस A2 होगा, बाकी मिल जाएगा क्या 999 डी माइनस यहाँ मिलेगा 999 डी, तो ये इससे कैंसिल होगा बचेगा A1 माइनस A2 और हमने निकाला है A1 माइनस A2 का मान 100 है तो इसका मान भी 100 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 1000 चाहे जिस पदों का अंतर निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा 100 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।